नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल जी के हम सफ़र में। आज हम बात करने वाले हैं भारत के इतिहास के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आपको तो पता ही होगा कि भारत का इतिहास स्वर्णिम रहा है। हजारों वर्ष से चले आ रहे इस रीति रिवाजों से हमारे कई हजार वर्ष पुराने माना जाता है। 65,000 साल पहले आधुनिक मनुष्य या होमो स्पीशीज होमो सेपियंस अफ्रीका से भारतीय उपमहाद्वीप में पहुँचे थे, जहां वो केवल विकसित हुए थे। सबसे पुराना ज्ञात आधुनिक मानव आज से लगभग 30,000 वर्ष पहले दक्षिण एशिया में रहता था। 6500 ईसा पूर्व के बाद खाद्य फसलों और जानवरों के वर्चस्व के लिए सबूत अस्थाई संरचनाओं को निर्माण और कृषि अधिशेष का भंडारण मेहरगढ़ और अब बलूचिस्तान के अन्य स्थलों पर दिखाई दिया है। यह धीरे धीरे सिंधु घाटी सभ्यता में विकसित हुए दक्षिण एशिया में पहली बार संस्कृति, जो आज पाकिस्तान और पश्चिमी भारत में 2500 से 1900 ईसा पूर्व दौरान पनपी थी। मेहरानगढ़ पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है, जहां नवपाषाण युग के 7000 ईसा पूर्व से 25,000 ईसा पूर्व के बहुत से अवशेष मिले हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसका आरंभ काल में लगभग 3300 ईसा पूर्व माना जाता है, प्राचीन मिस्र और सुमेर सभ्यता के साथ विश्व की प्राचीनतम सभ्यता में से एक था। इस सभ्यता की लिपि अब तक सफलतापूर्वक पढ़ी नहीं जा सकी। सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान में पाकिस्तान और उसके सटे भारतीय प्रदेशों में फैली हुई थी। पुरातत्व प्रमाणों के आधार पर 1900 ईसा पूर्व इसके आसपास सभ्यता का अकस्मात पतन हो गया। 19वीं शताब्दी में तत्पश्चात विद्वानों के प्रचलित दृष्टिकोणों के अनुसार आर्यों का एक वर्ग भारतीय उपमहाद्वीप की सीमाओं पर 2000 ईसा पूर्व आसपास पहुँचा और पहले पंजाब में बस गया, और यही ऋग्वेद की रचनाओं की रचना की गई। आर्यों द्वारा उत्तर तथा मध्य भारत में एक विकसित सभ्यता का निर्माण किया गया, जिसे वैदिक सभ्यता भी कहते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास में वैदिक सभ्यता सबसे प्रारंभिक सभ्यता है, जिसका संबंध आर्यों के आगमन से था। इसका नामकरण आर्यों की प्रारंभिक साहित्य वेदों के नाम पर किया गया था। आर्यों की भाषा संस्कृति और धर्म की वैदिक धर्म या सनातन धर्म के नाम से प्रसिद्ध था। बाद में विदेशों की आक्रांताओं द्वारा इस धर्म का नाम हिंदू पड़ा। वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के तटीय क्षेत्र, जिसमें आधुनिक भारत की पंजाब और हरियाणा राज्य में आते हैं, विकसित हुई। आमतौर पर अधिकतर विद्वान वैदिक सभ्यता के काल में 2000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच मानते हैं, परंतु नए पुरातत्व उत्खननों से मिले अवशेषों की वैदिक सभ्यता की संबंधित कई अवशेष मिले हैं, जिसमें कुछ आधुनिक विद्वान भी मानने लगे हैं कि वैदिक सभ्यता भारत से ही शुरू हुई थी। आर्य भारतीय मूल के ही थे और ऋग्वेद की रचना काल में 3000 ईसा पूर्व में रहा होगा, क्योंकि आर्यों में भारत आने का ना तो कोई पुरातत्व उत्खननों में आधारित प्रमाण मिलता है और ना ही DNA की अनुसंधानों में कोई प्रमाण मिला है। हाल में ही भारतीय पुरातत्व परिषद द्वारा की गई सरस्वती नदी की खोज से वैदिक सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता तथा आर्यों के बारे में एक नया दृष्टिकोण सामने आया है। हड़प्पा सभ्यता की सिंधु सरस्वती सभ्यता नाम दिया गया, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का 2600 बस्तियों में से वर्तमान पाकिस्तान में सिंधु तट पर मात्र 265 बस्तियाँ थी, जबकि शेष अधिकांश बस्तियां सरस्वती नदी के तट पर मिलती है। सरस्वती एक विशाल नदी थी, पहाड़ों की तोड़ती हुई निकलती थी और मैदानों में फैली हुई थी, समुद्र में जाकर विलीन हो जाती थी। इसका वर्णन ऋग्वेद में बार बार आता है। यह आज से 4000 साल पूर्व भूगर्भी बदलाव की वजह से सूख गई थी। इस ईसा पूर्व सातवीं में शुरुआती में छठी शताब्दी की सदी में जैन और बौद्ध धर्म संप्रदाय का लोकप्रिय हुए। अशोक ईसा पूर्व में 265 से 241 काल तक एक महत्वपूर्ण राजा था, जिसका साम्राज्य अफगानिस्तान से मणिपुर तक और तक्षशिला से कर्नाटक तक फैला था, पर वो संपूर्ण दक्षिण तक नहीं जा सका। दक्षिण में चोल सबसे शक्तिशाली निकले। संगम के सहित और शुरुआत में दक्षिण में इसी समय भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल में ईसा पूर्व नौवीं की शुरुआती में 6वीं शताब्दी के दौरान 16 बड़ी शक्तियां महान जनपद विद्यमान थे। अति महत्वपूर्ण गणराज्यों की कपिलवस्तु की शाक्य और वैशाली के लिच्छवी गणराज्य थे। गणराज्यों के अलावा राजतंत्रीय राज्य भी था, जिसमें कौशाम्बी, वश, मगध और अवंती महत्वपूर्ण थे। इस राज्यों की शासन ऐसे शक्तिशाली व्यक्तियों के पास था, जिन्होंने राज्य विस्तार पड़ोसी राज्यों से अपने मिलने नीति अपना रखी थी।
तथापि गणराजनात्मक राज्यों में अभी स्पष्ट संकेत थे कि राजाओं अधीन राज्यों को विस्तार हो रहा था। इसके बाद छोटे छोटे साम्राज्यों में बट गया। 8वीं सदी में सिंध पर अरबों का अधिकार हो गया। यह इस्लाम का प्रवेश माना जाता है। 12वीं सदी तक दिल्ली की गद्दी पर तुर्क दासों का शासन हो गया, जिससे अगले कई सालों तक राज किया। दक्षिण में हिंदू विजयनगर, गोलकुंडा और राज्य में 1556 में विजयनगर का पतन हो गया। सन 1526 में मध्य एशिया में निर्वासित राजकुमार बाबर ने काबुल में पनाह ली और भारत पर आक्रमण किया। इससे मुगल वंश की स्थापना की, जो अगले 300 वर्षों तक चला। इसी समय दक्षिण पूर्वी तट से पुर्तगाल समुद्री व्यापार शुरू हो गया था। बाबर की पोता अकबर धार्मिक सहिष्णुता के लिए विख्यात था। उसने हिंदुओं पर जो जजिया कर शक्तिशाली हो रहे थे। औरंगजेब दक्षिण ओर ध्यान में लगाया, जो उत्तर में सिखों का उदय हो गया। औरंगजेब के मरते ही 1707 में मुगल साम्राज्य बिखर गया। अंग्रेज के डचों, पुर्तगालियों तथा फ्रांसीसियों ने भगाकर भारत पर व्यापार का अधिकार सुनिश्चित किया। 1857 में एक विद्रोह कुचलने के बाद सत्ता पर काबिज हो गए। भारत को आज़ादी 1947 में मिली, जिसमें महात्मा गांधी की अहिंसा आधारित आंदोलन का योगदान महत्वपूर्ण था। 1947 में भारत की गणतांत्रिक शासन लागू हुआ। आज़ादी के समय ही भारत का विभाजन हुआ, जिसमें पाकिस्तान का नाम का जन्म हुआ और दोनों देशों के बीच कश्मीर सहित अन्य मुद्दों पर तनाव बना। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको यूजफुल लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो मैं आपके लिए लाते रहूँ।